मैं आशा करता हूं कि 21 जून आप जहां भी रहते हो, आप इनिशिएटिव लिए, अभी एक महीना है, आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाओगे तो योग का जो इस बार का सिलेबस है, कौन कौन से आसन करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, उसका पूरा वर्णन है उसमें, उसको देखिए। आपके गांव में करवाइए, आपके मोहल्ले में करवाइए, आपके शहर में करवाइए, आपके स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, इवन ऑफिस में भी अभी से एक महीना शुरू कर दीजिए, देखिए आप 21 जून को भागीदार बन जाएंगे। मैंने कई बार पढ़ा है कि कई ऑफिस में रेगुलरली सुबह मिलते ही योग और प्राणायाम सामूहिक होता है तो पूरे ऑफिस का एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है, पूरे ऑफिस का कल्चर बदल जाता है, एनवायरनमेंट बदल जाता है। क्या 21 जून का उपयोग हम अपने जीवन में योग लाने के लिए कर सकते हैं, अपने समाज जीवन में योग लाने के लिए कर सकते हैं, अपने आसपास के परिसर में योग लाने के लिए कर सकते हैं? मैं इस बार चंडीगढ़ के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जाने वाला हूँ। 21 जून को चंडीगढ़ के लोगों के साथ मैं योग करने वाला हूँ, आप भी उस दिन अवश्य जुड़े। पूरा विश्व योग करने वाला है, आप कहीं पीछे न रह जाएं, ये मेरा आग्रह है। आपका स्वस्थ रहना भारत को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के द्वारा आपसे मैं लगातार जुड़ता हूँ। मैंने बहुत पहले आपको एक मोबाइल नंबर दिया था, उस पर मिस कॉल करके आप मन की बात सुन सकते थे, लेकिन अब उसको बहुत आसान कर दिया है। अब मन की बात सुनने के लिए आप सिर्फ 4 ही अंक उसके द्वारा मिस कॉल करके मन की बात सुन सकते हैं। वो 4 आंकड़ों का नंबर है 1922 1922। इस नंबर पे मिस कॉल करने से आपको जब चाहे, जहां चाहे, जिस भाषा में चाहे मन की बात सुन सकते हैं। प्यारे देशवासियों, आप सबको फिर से नमस्कार। मेरी पानी की बात मत भूलना, याद रहेगी ना? ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।